कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट, सचिन पायलट मंचा से सम्मानीय हमारे दौसा के, विशेषकर दौसा के दिलों की धड़कन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाई सचिन जी पायलट साहब, राजस्थान सरकार में मंत्री सम्मानीय ममता जी, भाई विधायक भजन जी और सभी सम्मानित साथियों, सभी यहाँ पधारे हुए बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, आपने सबकी बात सुनी और साथियों में महुआ में भी करीब करीब सारी ग्राम पंचायतों हमारे प्रोग्राम हो चुका, आप सबको पता है। इस बार बड़ा जोश लोगों में है, बहुत अच्छी भावना लोगों में। साथियों मेरा एक निवेदन आप सबसे है, ये जो दौसा लोकसभा का चुनाव, वैसे तो आपके महुआ में सांसद को जीते हुए करीब 35 साल हो गए, क्योंकि पहले महुआ बहरा विधानसभा में आता था और हमारे दौसा के अंदर भी 10 साल से हमारा सांसद नहीं बना। साथियों दौसा वो जगह है जहाँ पर सम्मानीय स्वर्गीय राजेश पाल जी सांसद हुआ करते थे, सम्मानीय रमा पाल जी सांसद हुआ करते थी और सम्मानीय सचिन पाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वो सांसद हुआ करते थे। उस टाइम आप स्वयं सोचिए कितनी जबरदस्त दौसा का नाम था, पूरे देश में दौसा की डंका बजता था, एक तरह से लोकसभा के जो सांसद थे उसके माध्यम से कितने काम हुआ करते थे और पूरे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी बात जो काम में सूप रहे वो थी, एक जबरदस्त भावना थी, लोगों में सद्भावना थी, लोगों में भाईचारा था और 36 करोड़ लोग मिलकर के और कांग्रेस के साथ में रहते थे, पायलट परिवार के साथ में रहते थे। ये जैसे ही परिसीमन हुआ यहाँ की परिस्थितियां बदल गई और हमारे लोकसभा क्षेत्र में ग्रहण लग गया, या जातियों में जातियां बट गई और सांसद का चुनाव हमने जीता नहीं। साथियों मेरा निवेदन है, ये फिर मौका आया वही पायलट साहब के टाइम का। मेरा आपसे निवेदन है, ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है, विकास की बात तो होंगी लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भाईचारा को लेकर के हम ये सद्भावना का चुनाव लड़ रहे हैं और 36 करोड़ के लोग पहली बार जिस तरह से पायलट साहब के टाइम पे 36 करोड़ लोग मिलकर के काम करते थे, उसी प्रकार 36 करोड़ के लोगों में मिलकर के जोश है और ये हमारी पार्टी की विचारधारा भी है, ये कांग्रेस की विचारधारा भी है और ये हमारे पायलट परिवार की विचारधारा भी है कि अच्छा नेता वही होता है जिस नेता को 36 करोड़ के लोग पसंद करते हैं, अच्छा प्रजातंत्र में वही होता है जिसको 36 करोड़ के लोग पसंद करते हैं। इसलिए मेरे साथियों अपने दौसा के हित के लिए, कांग्रेस के हित के लिए और पायलट साहब परिवार के हित के लिए हम चाहते हैं, अब ये पायलट परिवार चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, ये पायलट परिवार जिस तरह से 30-35 साल से इस दौसा की सेवा करता रहा है, दौसा का नाम इन्होंने पूरे देश के अंदर रोशन किया है, आप खुद सोच लिए कितने काम होते थे। दौसा गंगापुर रेल लाइन जो पायलट साहब के टाइम में सैंक्शन थी, आज तक पूरी बीजेपी नहीं कर पाए, कई हाईवे, कई पुलिया, कई ब्रिज और बहुत से काम ऐसे थे जो आपके टाइम पे थे लेकिन आज तक बीजेपी के सांसद बने जो पूरा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम पायलट साहब की भावनाओं पर खरा उतरेंगे और आने वाली 6 तारीख को आप सविता मीणा को जो आप सबको पता है मेरी धर्मपत्नी है और मेरे बारे में भी आप सब जानते हो, मैं बांदीपुर से विधायक था, मैं फिर दौसा से विधायक था, मंत्री था और फिर दौसा से आपके आशीर्वाद से 51,000 वोट से विजय हुआ था और सबकी सहमति से अब पायलट साहब ये चाहते थे, पायलट साहब भी दिल से चाहते थे, अब इनके दिल में भी दौसा के प्रति भावना थी। अब दौसा वो जिला है जो हमारी कर्म भूमि है, दौसा वो जिला है जिसको लेकर के हमने पूरे देश के अंदर नाम कमाया है, इसलिए दौसा आपकी कर्म भूमि होते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अब हम पायलट साहब में विश्वास करते हैं, आप सब विश्वास करते हो, आप किसी की बातों में नहीं आना है और आपको आने वाली 6 तारीख को दबा करके, क्योंकि आखा तीज का सावा है और 6 तारीख को आखा तीज के मांडे हैं, कई भाई ब्याह में जाएंगे, कई भातों में जाएंगे, इसलिए वो तो काम करना ही करना, लेकिन आप सब मिलकर के सुबह से लेकर के और 12-1 बजे तक ही सारी वोटिंग करना, अच्छी वोटिंग करना, ये बीजेपी वाले बहुत माहिर है। मेरा आपसे निवेदन है, ये और कोई अफवाह फैला सकते हैं, ये भ्रम फैला सकते हैं, आप इनकी अफवाह से सावधान रहना क्योंकि ये काम करना तो जानते नहीं है। पार्टी के बारे में आपको पता है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है, 36 करोड़ की पार्टी है, जितनी भी इस देश के अंदर योजनाएं चल रही हैं, गरीबों के लिए योजनाएं चल रही हैं, किसानों के लिए योजनाएं चल रही हैं, मजदूरों के लिए योजनाएं चल रही हैं, सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस की देन है, बीजेपी की एक भी कोई बीजेपी की योजना बता दे हमारा साथी,
जो गरीब किसान मजदूरों के लिए चालू की हो। साथियों भी हाल ही में राहुल जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी कई अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने, जो सम्मानीय पायलट साहब आपको बताएंगे। दूसरा, अभी 4 माह के अंदर अंदर भी सरकार ने कई अच्छे फैसले किए, उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। 2014 में जब मोदी जी आए थे, आप सबको पता है किस तरह का भ्रम फैलाया था और आपने बहुत अच्छे मतों से उस टाइम बीजेपी का सांसद जिताया था। मेरे साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, जब मैं कई गांव में गया तो बड़े फटाके छूट रहे थे। मेरे साथियों, मैंने उनसे कहा था तुम्हें फटाके तो छूट रहे हो, लेकिन जो सामने प्रत्याशी लड़ रही है वो सवाई माधोपुर की रहने वाली है और जो सविता चुनाव लड़ रही है वो आप सब जानते हो अलियापाड़ा की रहने वाली है, दौसा की रहने वाली है और कॉमन महुआ और बांदीकुई बॉर्डर पर रहते हैं। अधिकतर हमारे साइड के लोग भी महुआ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा करना, ऐसा नहीं हो जाए कहीं भाई, ऐसा नहीं हो जाए और 23 तारीख को फटाके सवाई माधोपुर में छूटे। हमारे फटाके दौसा में छूटने चाहिए, महुआ में छूटने चाहिए और ये सब जब होगा, जब आप दबा करके मेहनत करोगे, 4-5 दिन का आपके पास में टाइम है, मैं आपके विश्वास दिलाता हूँ, आप 4-5 दिन दबा के मेहनत कर लो, आप हमको 5 दिन देगा, हम दोनों पति पत्नी आपको 5 साल देंगे और पूरी सेवा करेंगे। और महुआ के अंदर जो विधायक का आपको अभाव है, जो आप विधायक नहीं जीता पाए, मैं आपके विश्वास दिलाता हूँ आप सांसद चुनोगे लेकिन आपको साथ साथ में एक विधायक भी मिलेगा जो आपकी राज्य सरकार के हिस्से में भी सेवा करेगा। आप पदाधिकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।